YouTube की हिस्ट्री में पहली बार ही हो रहा है कि कोई इंडियन व्लॉगर और पाकिस्तानी व्लॉगर। याद है जब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि आप चनके के लाइक फैन हो और आप कहने मोदी जब भी काम देता है वो यही भी काम देता है कि भारत और पाकिस्तान कभी भी एक नहीं हो सकता। तो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आपके बाबू भैया की एक आदत थी कि जब कोई हमसे पूछा करता था ना कि बाबू भैया आप घूमने कहाँ पर जा रहे हो, तो बातों का तस्वर करके हम उन्हें सीधा मुंह कह देते थे कि भैया हम पाकिस्तान घूमने जा रहे हैं। लेकिन अब हाजरात यहाँ पर ये थे कि आपके बाबू भैया सच्ची में पाकिस्तान जाने वाले थे। अब देखो भैया, पाकिस्तान जाने के तीन रास्ते थे। पहला रास्ता तारों के नीचे से, हम पाकिस्तानी फौजियों से परमिशन लेके पाकिस्तान में जाएंगे। दूसरा और सबसे आसान रास्ता हम लोग कार से जा सकते थे। अंजी एक्साइटेड फॉर करतारपुर भैया, फुल पावर फुल पावर। क्या कह रहे हो, पाकिस्तानी ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेशन? बिल्कुल बिल्कुल। और तुम पहले लौंडे होने वाले हो इंडिया से? हम दोनों पहले लौंडे होने वाले हम दोनों पहले लौंडे होने वाले हैं। लेकिन आपके बाबू भैया ठहरे UK 07 राइडर, तो बाइक पे जाना तो बनता था। यहाँ पर ये थे कि जैसे ही आपके बाबू भैया ने सारा सामान RC पे बांधा, फ्यूल अप कराया और जैसे ही मैं घर से पाकिस्तान जाने के लिए निकल रहा था, बारिश का होना तो लाजमी था, तो जैसे जैसे करके हम लोग भव्य के घर पहुंचे और आगे की कहानी कुछ ऐसी थी। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं भव्य के घर और चाय पी रहे हम लोग, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। मैं सही बता रहा हूँ यार, बाहर इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना, मतलब पिछले दो दिन से देहरादून में बारिश नहीं हो रही थी, आज जब हमें जाना है तो बारिश भी आज ही होनी है, ठंडी हवा भी आज ही चलनी है। और जिस हिसाब से मैं अपनी गाड़ी में सामान बोक के लेके आऊँ ना, ये भव्य तो एक नंबर की फर्जी इंसान भाई, ऐसा लग रहा था मैं वो भुनिया था, वो जूते ले लो भांडे ले लो, ऐसा लग रहा था मैं पूरा। अभी मैं आपको बाहर दिखाता हूँ सामान की हालत क्या हो रही है। तो भैया मुन्नी भी हमारे साथ जा रही है, आप लोगों की डिमांड और हम इसको कैसे नहीं लेके आते। आपकी वजह से लेके जा रहे हैं, मुझे वरना नहीं ले जाते। नहीं तो हमने कहा नहीं जा रही है, अब इतनी बारिश हो रही है ना, फिलहाल अभी नहीं है कि तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है और शक्ल से पता लग रहा होगा मेरी, लेकिन देखो जाना है तो जाना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले व्लॉगर्स बने इंडिया से, जो इंडिया और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जाकर के कोलैबोरेट करने वाले हैं। तो तबीयत चाहे थोड़ी बहुत खराब हो, सब झेलने वाले हैं। अभी जो बारिश होने वाली है ना, ये आसमान देखो, मतलब भयंकर। जब हम घर पे रहेंगे ना तब पूरी धूप, और जब हमें बाहर निकलना होता है तब बारिश। फिलहाल अभी हम लोगों ने भव्या की गाड़ी पे कैरियर इंस्टॉल करा दिया है, तो एक बैग यहाँ पर, एक बैग यहाँ पर और एक बैग यहाँ पर। यहाँ देखो, यहाँ भाई मैं रास्ते में इतना सारा सामान लेके आ रखा था ना, इधर शूज, इधर मेरे बैग, और आई वॉज लाइक वो आते नहीं शूज वाला, भांडे ले लो, आई वॉज लाइक दैट। बहुत एम्बेरसिंग था मेरे लिए मार्केट में, बट फिर भी सामान लेके आना था, क्योंकि भव्या मेरे शूज रात को नहीं लेके आई थी, और शूज की कलेक्शन मैं आपको अमृतसर पहुँच के दिखाऊंगा। 3 दिन 4 रातों का कोटा मिल चुका है अमृतसर का, मैं पाकिस्तानी एडिडास वाले शूज़ पहन के जाने वाला हूँ। अब देखो ऑब्वियसली बात है, हम लोग ये वाले शूज़ ना बैग के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर मैं बैग के अंदर डालूंगा तो ऑलरेडी हमारा इतना सारा लगेज है, और ये अगर डाल दिया तो फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाएगा। तो इसको भी फिट करते हैं इधर उधर, यही तो टेक्निक है, निंजा टेक्निक बोलते हैं। ये हमारा KTM का स्वर, वो बोलते हैं ना अलू हमोरा, जिससे गायब हो जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी बारिश अंदर नहीं घुसने वाली, क्योंकि हम थोड़े गरीब लोग हैं, हम डीकैथलॉन जा नहीं सकते, वहाँ से हमारे पास विंड कवर के हम तिरपाल लेके चलते हैं। तो भैया हम लोग पहन चुके हैं रेनकोट्स, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। हेयर वी हैव गॉट नेहा आर मुन्नी, हेयर वी हैव गॉट भव्या, और हेयर वी हैव गॉट आंटी। आंटी ने बहुत मस्त चाय बनाई है, अब जब भी कभी भव्य के कराओगे तो आंटी आपको फ्री चाय पिलाएगी, समझ रहे हैं। और गाजर का हलवा तो एकदम मस्त था ना। फिलहाल हम लोगों ने सारा सामान इधर बांध दिया है, और हमने सोचा था हम लोग सुबह 11 बजे निकलेंगे, बट लेकिन नया टाइम कितना हो गया, 2:40, 3 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बट लेट इट बी, धूप आ गई एटलीस्ट, और क्या चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर राइड टू पाकिस्तान। बेसिकली अमृतसर पर था, और ये सबसे सही जुगाड़ हुआ है, पता है, ये भव्य की गाड़ी में सारा सामान, मेरी RC पे ज़रा भी वेट नहीं है, और भव्य अपने पूरे मोहल्ले वालों को बाय कर रही है। बारिश अभी भी हो रही है यार, ये बारिश का से थोड़ा काम खराब हो जाता है, बाकी इट्स गुड। हमने बुलेट पे वेट ऐसे बांधे कि दोनों साइड इक्वल रहे, क्योंकि अगर हम लोग एक साइड सारा सामान बांधते हैं तो फिर एक साइड डैमेज करती वो, और एक साइड स्विंग मारती। बाकी RC पे अब कुछ भी सामान नहीं है, तो आई कैन एक्सेलरेटेड, बट हम लोग धीरे ही जाएंगे जब तक हम लोग NH नहीं टच कर लेते, और जैसे ही NH टच करेंगे तब भाई तो वहाँ से मचनी शुरू होगी। बेसिकली जिस रूट से हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, दैट रूट विल गो थ्रू अमृतसर, तो हम लोग यहाँ से पहले लुधियाना जाने वाले हैं, उसके बाद अमृतसर, और भव्या को देखो अलग ही तबाही मच रही है,
मैंने तो फ्यूल अप कर लिया है, बॉम्बे को भी अपनी गाड़ी में फ्यूल अप कराना है। लड़कियों को दोनों को रेनकोट ऑलरेडी हम लोगों ने पहना दिए हैं, तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम नाउ। प्लस मेरे विंड चीटर में यार पानी अंदर घुस रहा है पता नहीं क्यों। 961 में बुलेट की टंकी फुल हो रही है और 615 रुपए में आरसी की टंकी फुल हो रही है। चलो भगवान का शुक्र है कि बारिश होना थोड़ी सी कम हो गई, नहीं तो अगर ये बारिश होना कम नहीं होती ना भाई साहब निकलते हुए मुश्किल हो जाती। ये जो पाकिस्तान की राइड होने वाली थी, ये मेरे घर से अप्रॉक्स 450 किलोमीटर की राइड होने वाली थी, जहाँ पर हम लोगों ने दो स्टॉप प्लान करे थे, पहला लुधियाना और दूसरा स्टॉप अमृतसर। तो भैया हमारा पहला स्टॉप लुधियाना था और हमें कैसे जैसे करके अंधेरे से पहले लुधियाना पहुंचना था। तो फिर क्या था, आपके बाबू भैया और भव्या ने हाईवे पे गाड़ी खाना शुरू कर दिया था। जितना जल्दी खींच सकते हैं ना उतना जल्दी हम लोग धूप में खींच लेंगे, क्योंकि देखो अब मतलब बारिश वाले बादल तो चले गए हैं, अब बारिश वाले बादल तो होंगे नहीं, और बारिश तो एटलीस्ट नहीं हो रही है, तो अब यही मौका है हमारे पास, मौका देख के मारो चौका। सो गाइस हम लोग नहान के रास्ते से नहीं जा रहे हैं, हम लोग यमुनानगर वाले रास्ते से जा रहे हैं। यमुनानगर के लिए वी आर वी विल बी टेकिंग लेफ्ट, क्योंकि नहान वाला रास्ता इस टाइम पे और भी ज़्यादा ख़राब हो रखा होगा। ये यमुनानगर वाला रास्ता जो बीच में पड़ेगा, दिस विल टेक अस टू द हाईवे। ये रास्ता यहाँ से थोड़ा सा लंबा लगेगा ज़रूर, लेकिन हाईवे पे हम लोग लगभग 100-110 आराम से चल सकते हैं। बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। तो भैया अभी हम लोग हाईवे पे और हम लगभग 2 किलोमीटर से ड्राइव कर रहे हैं, और ये वाला हाईवे हम लोगों को अंबाला लेके जाएगा, लेकिन हम लोग नेशनल हाईवे पे कपड़े उतार रहे हैं। लोग हम ऐसे देखते हुए जा रहे हैं ना, हम लोगों ने विंड चीटर्स उतार दिए क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही थी और कीचड़ कीचड़ भी नहीं हो रहा था, लेकिन भाई गॉड लोग जा रहे होंगे, लोग क्या बोल रहे होंगे, क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर। भव्य बहुत तेज, भव्य ने पहले निकाल दिया अपना सब कुछ, शूज खोलने पड़ेंगे, ऐसे नहीं निकल रहे। ये जो विंड चीटर था ना, ये बहुत ज्यादा टाइट था यार, नहीं और लोग पता नहीं, शूज नहीं उतारने पड़ेंगे, ऐसे उल्टा करो ना, ऐसे खींच लो। अरे नहीं हो रहा भाई, पकड़ो से पकड़ो से, लड़की ने फोल्ड कर दिया है। ये क्या कर रहा हूं, कुछ ताला कैसे था, बिना शूज उतारे डाला था मैंने, बिना शूज उतारे डाला था ना, हां नहीं निकलेगा ये, इसके लिए शूज़ खोलने ही पड़ेंगे। अरे बाइक में आने का यही मज़े हैं, हम लोग पहले सोच रहे थे हम लोग कार में प्लान करते हैं, बट फिर कार में हम लोग इतनी मस्ती नहीं कर पाते, तो नया की है जिंदगी की पहली बाइक राइड है ना शायद, ये पहली बार ही बाइक पर आ रहे हैं। मैंने इतनी मेहनत कर ली है इस रेनकोट के साथ। नया कैसा लग रहा है बाइक पर आकर के? बहुत मजा आ रहा है, मतलब उड़ रही हूँ मैं। पीछे इसको ना हम लोगों ने कुशन पे बिठा रखा है, यहाँ देखो ये इतनी मस्त कोजी सीट, पीछे यहाँ पूरा गद्दा बना रखा है हम लोगों ने इसके लिए। अभी भी यहाँ से अमृतसर 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन बाइक राइड के ना अलग ही मजे होते हैं यार। अब अप्रॉक्सीमेटली शाम के 7 बजे हम लोग लुधियाना पहुंचने ही वाले थे, लेकिन हाजरात यहाँ पर ये हुए कि इंद्र देवता प्रकट हो गए और इतनी भयंकर बारिश होने लगी कि भैंस के टांग, हम लोगों ने सोचा आज रात हम लोग लुधियाना नहीं पहुंचने वाले। वैसी रात का समय था और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का सामान इतना ज़्यादा था बैग में, मैंने सोचा भैया अगर ये सामान भीग गया तो भूल जाओ पाकिस्तान जाना, अपने लैपटॉप और कैमरा सब पे पानी फिरने वाला है। तो जैसे जैसे करके हम लोग रात के 10 बजे लुधियाना पहुंचे, लुधियाना पहुंच करके हम लोगों ने एक होटल करा और फिर हमारे कुछ ब्रोसेना के मेंबर हमें वहां पर मिल गए थे। सो फाइनली गाइस हम लोग लुधियाना पहुंच गए, टाइम 11 बज रहे हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, बट इट वॉज रेनिंग अ लॉट इन लुधियाना। हम लोगों ने जस्ट होटल में चेक इन करा है और ये होटल हम लोगों को सिटी के आसपास ही मिल गया। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आज हम लोग लुधियाना में ही रुकेंगे, क्योंकि हम लोग कल लुधियाना एक्सप्लोर करने वाले हैं और फिर कल शाम को वी विल बी हेडिंग बैक टू अमृतसर और फिर परसों पाकिस्तान वाला ब्लॉक तो आ ही रहा है। तो देखो हम लोग आ रहे हैं पंजाब, लेकिन वो बात होती है कि गढ़वाली हर जगह मिल ही जाते हैं। हमारे पास दो लोग मिले जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय सा। और आपका? रविंदर। आप कहाँ से भैया? मैं टिहरी गढ़वाल। और आप? मैं भी टिहरी गढ़वाल। सारे टिहरी के लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया बस रहे। सो मैं आपको बता रहा था दैट आई हैव गॉट अ स्पेशल फ्रेंड इन पंजाब और मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। बेसिकली वो हमें पिक करने हैं यहाँ पर, एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम क्योंकि हम लोग बाइक पे थे
और हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड ऑफ थे, तो ही गॉट हिज कार एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हिम। तो यार देखो, हम लोग अभी पहुंचे हैं लुधियाना और हमारे एक बहुत स्पेशल दोस्त है यहाँ पर, ही इज गोकुल। स्पेशल लोगों के स्पेशल दोस्त। और हमारी बातचीत एक्चुअली जब मैं लद्दाख गया था शायद उसके बाद हुई थी, लास्ट ईयर ना शायद, लास्ट ईयर। और अब हमें लुधियाना की सबसे बेस्ट खाने वाली जगह पर लेके आ रखे हैं। अभी हम लोग कहाँ पर है गोकुल? पंडित जी दे परौंठे। तो यहाँ पर आलू के पराठे बहुत फेमस है, तो अभी हम लोग वो ट्राई करने वाले हैं। पंजाब आके आलू के परौंठे नहीं खाए फिर क्या खाए। और दो भूखे इंसान है, नेहा भूख लग रही है, नेहा को तो भूख लग रही है, नेहा की हालत बहुत सुबह से नहीं आई। और भव्या को तो भूख लगती नहीं, सही में, मतलब भव्या को नहीं लगती भूख एक्चुअली, लेकिन नेहा को बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो हम लोग अभी बेस्ट आलू के पराठे ट्राई करने वाले हैं, लेट्स सी कि क्या सीन बनते हैं इधर। तो ये जो पराठे आप देख रहे हैं ना, ये पराठे यहाँ की बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है और अब हम लोग इन्हें खा के देखने वाले हैं मास्टर शेफ अनुराग डोभाल के साथ, इनका टेस्ट कैसे है। एक हफ्ता हम लोग यहाँ रुक जाते हैं नेहा, मेरे गोकुल तो मोटा हो गया, बोल रहा भैया मैं आपको भी मोटा करा के भेजूंगा यहाँ से। सही में पूरा मेडल कराने के इसके ऊपर, ये देख रहे हो पूरा, ये बटर की स्लाइस देख रहे हो कितनी बड़ी है, और एक्चुअली में पूरा मेल्ट कराना है। ये है काई, गोकुल काई के पराठे एक्चुअली में आलू प्याज, आलू प्याज, प्याज महंगे लेकिन ओ पंजाब में अमीर लोग रहते हैं, बहुत अमीर। ऐसे पराठे पता है देहरादून में ना डीएवी रोड के पास मिलते हैं, और मैंने ना कॉलेज टाइम में ऐसे पराठे खाए थे, एंड एक्चुअली में मैं कॉलेज टाइम के बाद अब ऐसे पराठे खा रहा हूँ, दीज आर एक्चुअली वेरी गुड। अगली बार जब भी आप लुधियाना आओगे ना, तो गोकुल को पकड़ लेना कि आपको यहाँ पर आके लोकल गाइड, लोकल गाइड। पैसे भी नहीं लेगा लड़का। सो यार बेसिकली गोकुल हमें पूरा लुधियाना घुमा रहे हैं, अभी इसने हमें पराठे खिलाए और वो पराठे अमेजिंग। जब भी आप यहाँ पर आओगे तो शॉप कौन सी थी? पंडित जीते पराठे। तो फिर हाँ, मेरे उसमें भी अब पंजाबी एक्सेंट आ रहा है, अभी दो तीन दिन यहाँ पर उसके बाद तो क्या बोलते हैं पंजाबी में, तो अड्डी माड्डी। ये तो गाली होगी ना शायद। बेसिकली हाजरात यहाँ पर ये थे कि आज से पहले किसी भी इंडियन और पाकिस्तानी ब्लॉगर का कलाब नहीं हुआ था। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, भाई इरफान जुनेजो और MSK ऑलरेडी कलाब कर चुके हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वो एक ऑनलाइन कलाब था, और आपके बाबू भैया ने ठान लिया था कि पहला कलाब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम ही करने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए थे, एंड मोदी को लेकर के बहुत सारी बातें भी, इमरान खान को लेकर के बहुत सारी बातें भी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली डर गया था एक टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सब लोग मेरे को पूछ रहे थे मोदी मोदी के बारे में कुछ बोलो भाई।